हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, हम अपने लेसन नंबर 3 इंग्लिश रीडर का उसके पेज नंबर 24 पर आ गए थे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेलकम्ड, वेलकम रिप्लाइड अलादीन। अलादीन ने आंसर दिया वेलकम, यानी कि तुम्हारा स्वागत हो। आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। आई हैव सडनली मिस्ड यू, मैंने निश्चित रूप से तुम्हें बहुत याद किया। एट योर कमांड स्माइल द जिन, जिन मुस्कुराया, आपका क्या आदेश है भई, अपना आदेश बताओ। फर्स्ट पुट दिस विक्ड विजर्ड इन चेन एंड टेक हिम अवे, फार अवे वेयर ही विल नेवर बी फाउंड अगेन। सबसे पहले इस शैतान को चेन के अंदर बांध दो और कहीं दूर छोड़ाओ जहाँ से ये दोबारा ना आ पाए। द जिन ग्राइंडेड विद प्लेजर, नॉडेड हिज हेड एंड द विजर्ड वैनिस्ट। हलीमा क्लस्ट अलादीन इन फियर। जो जिन था उसने बड़े प्रसन्नता के साथ उसको जकड़ दिया, अपने सर को हिलाया और उस शैतान अदृश्य हो गया। हलीमा ने कसकर अलादीन को पकड़ लिया डर के। व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है, हु इज दैट जिन, वह जिन कौन है। डोंट वरी, परेशान मत हो, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। अलादीन रीश्योर्ड हर, अलादीन ने हलीमा को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलवाया। एज ही टोल्ड हिज वाइफ द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही हैड मेट द विजर्ड एंड फाउंड द मैजिक लैम्प दैट ही हैड अनएबल हिम टू मैरी हर, और उसने वो सारी कहानी बताई कि वो कैसे उस शैतान से मिला और कैसे उसको एक मैजिक लैम्प मिला और कैसे वह उससे शादी करने के लिए योग्य हुआ। एवरीथिंग वेंट टू नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। एंड द हैप्पी पेयर हग्ड ईच अदर टेंडरली, जो दोनों ने एक दूसरे को खुशी के साथ अपने गले लगा लिया, बड़े प्यार से, नम्रता के साथ। टेंडरली होता है नम्रता के साथ। कैन यू रिटर्न टू आवर किंगडम, क्या हम अपने वापस जा सकते हैं राजे। द प्रिंसेस आस्क्ड टिमडली थिंकिंग ऑफ हर फादर सो फार अवे, प्रिंसेस ने डरते हुए, राजकुमारी ने डरते डरते पूछा, क्योंकि वह अपने फादर से बहुत दूर थी, वह सोच रही थी कि उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। द मैजिक दैट ब्रॉट यू हेयर, जो जादू है तुम्हें यहाँ लेकर आया है, विल टेक यू बैक बट विद मी एट योर साइड फॉर एवर, क्या तुम्हें वह वापस ले जाएगा, परंतु भाई तुम मेरे साथ हो इस बार। द सुल्तान वॉज ऑलवेज इल एंड वरी, सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान था इसलिए वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। हिज डॉटर हैड डिसअपियर्ड अलोंग विद द पैलेस, उसकी बेटी अदृश्य हो गई थी महल के साथ। एंड हिज सन इन लॉ हैड वैनिश्ड टू, और उसका जो सन इन था, दामाद था, वह भी अदृश्य हो गया था। नोबडी न्यू वेयर द वर, कोई भी नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं। नॉट इवन द वाइज मैन न्यू, यहाँ तक कि जो बुद्धिमान आदमी थे वे भी नहीं जानते थे। द जेलिस चैम्बरलेन कैप्ट और रिपीटिंग आई टोल्ड यू अलादीन फॉर्चुनेट कुड नॉट लास्ट, जो ईर्ष्यालु करने वाला ऑफिसर था उसने फिर दोबारा से रिपीट किया, मैंने तो तुम्हें पहले ही अलादीन के बारे में बताया था, उसकी किस्मत के बारे में बताया था कि वह ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। एवरीवन हैड लॉस्ट द होप ऑफ सीइंग द मिसिंग पेयर अगेन, हर एक ने इस आशा खो दी थी, मतलब कि उनको कोई होप नहीं रही थी कि वो उस पेयर को, उस अलादीन को और हलीमा को दोबारा मिल पाएंगे। वैन फॉर अवे अलादीन रब द लैम्प, अलादीन ने उस लैम्प को रब किया। सेट टू द जिन, और जिन को कहा, टेक माई वाइफ माई सेल्फ एंड द पैलेस बैक टू आवर वॉन लैंड एज फास्ट एज यू कैन, तुम मेरी पत्नी को, मुझे और हमारे इस महल को उसी लैंड पर
वापस ले जाओ जितनी तेज तुम चल सकते हो। पेज नंबर 25 पे आ जाओ बेटा, 25 पर। इन अ फ्लैश एयर, हवा के अंदर वापस से, रिप्लाइड द जिन, जिन ने जवाब दिया, एट द स्नैप ऑफ ए फिंगर द पैलेस रोज इन टू द एयर एंड स्पेड ओवर द सुल्तान किंगडम। उस जिन ने क्या किया, फिंगर के साथ हवा में एक काट दिया, उसको काट दिया, स्नैप होता काट देना एकदम से, और महल हवा में उड़ने लगा, उड़ने लगा, और वो एकदम से सुल्तान के राज्य के ऊपर से निकला। अबव द हेड ऑफ द एस्ट्रॉइड सब्जेक्ट इट जनरली फ्लोटेड डाउन टू अर्थ, और वो तैरता हुआ एकदम से ज़मीन पर आ गया, वापस उसी पुरानी वाली साइट पर, लैंडेड ऑन इट्स ओल्ड साइट। अलादीन एंड हलीमा रश टू एम्ब्रेस द सुल्तान, अलादीन और हलीमा सुल्तान के गले लग गए, उन्होंने उसको गले लगा लिया। बेटा यहाँ पर ये लेसन फिनिश हो चुका है, इसकी डिक्टेशन को आप लर्न करेंगे और ऑनलाइन में इस डिक्टेशन का टेस्ट होगा। थैंक्स।